और वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के दोनों सीट पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। बद्रीनाथ सीट से लखपत बुटोला इस वक्त आगे है और मंगलौर से कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन इस वक्त आगे हैं। तो उत्तराखंड की बात करें तो यहां की दोनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे, बद्रीनाथ सीट से भी कांग्रेस के लखपत बुटोला आगे है और मंगलौर से कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन इस वक्त आगे है। और देखिए हमारे साथ शिवम भी जुड़े हुए हैं। शिवम क्या कहेंगे, हालांकि हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ यहाँ पर जो रुझान है और जो हालात है बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हमीरपुर की बात करें तो यहाँ के रुझान में बदलाव देखने को मिले, लेकिन उत्तराखंड की बात करें यहां पर भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार ही आ गए हैं। क्या वाकई में आपको नहीं लगता कि सोचने का विषय है ये बीजेपी के लिए? अब नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। मैं मानता हूं कि अभी थोड़ा हमें समय इंतजार करना चाहिए और कहीं कोई विषय है ही नहीं। उत्तराखंड की भी अगर हम बात करें और खासतौर पर हिमाचल की भी अगर हम बात करें तो आपने वहां पर हमारा जो है लोकसभा का प्रदर्शन देखा है, तो स्थितियां बहुत साफ हैं। उसी तरीके से स्थितियां उपचुनाव में भी रहने वाली है। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता है, उसके बाद आप देखेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत खुशी विपक्ष के खेमे में भी जानी चाहिए, कम से कम कुछ घंटों ही सही, कम से कम खुश तो इस बात से रहेंगे कि हम जीत पाए, वरना उत्तराखंड में और हिमाचल में उनका क्या हाल हुआ पिछली बार भी। हाँ, सरकार रिटेन करने में वो जरूर सक्सेसफुल रहे उपचुनाव की अगर मैं बात करूं, लेकिन इसके अलावा अगर हम तमाम स्थितियों की बात करें तो वहां पर सरकार जो है लेकिन शिवम आपको नहीं लगता ये बहुत सिलेक्टिव अप्रोच है कि अगर आप नहीं जीत रहे हैं तो आप कह दें कि लोकसभा विधानसभा के मुद्दे अलग हैं, फिर अगर आप जीत रहे हैं तो फिर लोकसभा का प्रभाव विधानसभा पर पड़ता है, ये नैरेटिव चेंज कर देना अपने हिसाब से आपको नहीं बिल्कुल लगता? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ही नहीं ऐसा कि मुद्दे अलग हैं या चीजें अलग हैं या उसका फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि लोकसभा के चुनाव के बाद अगर किसी उपचुनाव में कोई भी पार्टी जीतती है तो आप ये कहें कि नेता या पार्टी जो लोकसभा जीती है ये उनकी क्रेडिबिलिटी पर प्रहार है, नहीं वैसा नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, मैं दोनों उदाहरण आपको दे रहा हूं। 2024 से पहले हम पांच राज्यों के चुनाव में से तीन राज्य हारे थे और 2024 में वही तीनों राज्य बावजूद हम उसके जीत गए। लोकसभा का रिजल्ट 24 में भी वही रहा, 19 में भी वही रहा, विषय बहुत साफ है। और वो तो फिर भी राज्य के चुनाव थे, ये तो उपचुनाव है। तो बहुत चीजें जो क्लैरिटी है वो इस बात से मिलती है कि आने वाले समय में, पहली बात तो 19 में आपको बहुमत आया था, 24 में बहुमत नहीं आया, एनडीए को मिलाकर बहुमत आया। बिल्कुल आया, लेकिन जाहिर है कि अगर सारे इकट्ठे होकर भी लड़े तो बावजूद उसके सारे इकट्ठे होकर भी हमारे बराबर सीट नहीं ला पाए। और ये भी एक रियलिटी है कि इस देश में तीसरी बार अगर कोई प्रधानमंत्री बने हैं और वो भी अपनी सरकार 240 सीटें लाने के बाद, तो वो इस देश में 64 साल बाद हुआ है, जो कि इससे पहले एक बार सिर्फ नेहरू जी के समय में हुआ है। तो अगर ये सब हुआ है तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि पहली बात तो ये कि अभी एक घंटा हमें और इंतजार करना चाहिए, और दूसरा ये भी कि जिस तरह की बात कही जा रही है कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी जी का, मोदी जी का वो जादू खत्म, मैं मानता हूं कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, अभी भी आप वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रहे हैं, एक घंटे इंतजार की बात आप करते हुए नजर आ रहे हैं। शिवम देखना होगा एक घंटे में क्या बदलाव होता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो बिहार की अगर हम बात करें, जहां की रुपौली सीट पर जो उपचुनाव हुआ, यहां पर जो जेडीयू है वो इस वक्त आगे नजर आ रही है। और देखिए हमारे साथ आकाश यादव भी हैं। आकाश यादव जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए अगर हम देखें कांग्रेस की, तो उत्तराखंड में भी दोनों जो सीटें वहां पर आ गए, धामी सरकार के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जाएगा, लेकिन आपने सुना बीजेपी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है, अभी उन्हें और लग रहा है कि इंतजार करिए और नतीजों में बड़ा बदलाव हो सकता है। देखिए वो सत्ता के इसके अंदर चूर चूर हो रहे हैं, उनको सच्चाई दिखाई नहीं दे। हम कांग्रेस तो इंडिया अलायंस तो पूरे सीटें जीतने ही जा रहे हैं, लेकिन इनका जो एरोगेंस है ये जनता देख रही है। और आने वाले जो भी चुनाव हो, बीजेपी और मोदी जी को एक करारा झटका देश की जनता देने जा रही है वाली। और देश की जनता आज जो महंगाई से, बेरोजगारी से त्राही त्राही हो रही है, आज मेरे मित्र शिवम जी ये सच्चाई देखना नहीं चाहते। सिर्फ उनको एक सत्ता का घमंड है और उसी का नतीजा है कि आज इंडिया अलायंस उपचुनाव में बड़े पैमाने पर जीतने जा रही है। ठीक है, स्वयं जी आप भी ये मान रहे हैं जैसा कि शिवम जी तो ये कह रहे हैं कि मोदी मैजिक खत्म नहीं हुआ है, कोई क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं है, आप क्या शिवम जी को कहना, शिवम जी को कहना उनकी मजबूरी है कि मोदी मैजिक, उनको भी पता है कि मोदी मैजिक जो है 2024 के विधान लोकसभा चुनाव में खत्म हो चुका है। ये जो चुनाव हुए, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि ये जो उपचुनाव है, उपचुनाव के अंदर में स्थानीय मुद्दे, स्थानीय सरकार, ये सब बहुत सी बातें रहती है। मैं मानता हूँ कि इसका केंद्र सरकार के साथ में जोड़ना ठीक नहीं है, मगर आप देखिए मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतने के बाद भी वहां की जनता इनके विपक्ष में वोट कर रही है।
तो ये सोचनीय है इनके लिए कि भारतीय जनता पार्टी में कहां कमी है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जो सीटें जीती हुई थी आज 4 में से वो सीटें हार रही है, तो क्यों हार रही है वो सीट, ये भी सोचना है भारतीय जनता पार्टी को कि जिस तरह के डर का माहौल देश में बनाया गया, एक नफरत का माहौल बनाया गया, तो देश की जनता को चाहिए रोजगार, देश की जनता को चाहिए महंगाई से निजात। जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र में है या जहां जहां राज्यों में है, जहां राज्यों में सरकारें इनकी नहीं है वहां पे ये फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वहां पे जैसे पश्चिम बंगाल में क्या किया, मनरेगा का तक का पैसा इन्होंने रोक दिया, मनरेगा का पैसा नहीं।